कंटिन्यूएशन है ये फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग का। दो लेक्चर्स आपके कवर हो चुके हैं, ये आपका तीसरा लेक्चर है, तीसरा चैप्टर भी है, मार्केटिंग एनवायरनमेंट। स्टूडेंट, मार्केटिंग एनवायरनमेंट बहुत ही आसान चैप्टर है, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें हैं आपने 11th या 12th में पढ़ रखी हैं। मार्केटिंग एनवायरनमेंट के चैप्टर में आपको इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को केवल समझना है। आप लिख सकते हैं, लिखने को नहीं आएगा तो MCQs आएगा, वो आप कर सकते हो। और इसके साथ ही साथ इसमें एक और टॉपिक है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का, जहाँ पे SWOT एनालिसिस को आप दोबारा से पढ़ेंगे। दोबारा से क्यों? क्योंकि 11th में ICSE वाले और 12th में CBSE वाले पढ़ चुके हैं। जल्दी से देखिए, इंटरनल इन्वायरमेंट की हम बात करते हैं तो दो तरह में डाइवर्जन होता है, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल मार्केटिंग इन्वायरमेंट का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स? जिस भी इन्वायरमेंट में बिजनेस को अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को लॉन्च करना है, जिस इन्वायरमेंट में उसको आउटपुट प्राप्त करना है, इनपुट देना है, ये सारा इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट अलग होता है, मार्केटिंग इन्वायरमेंट अलग है। बिजनेस इन्वायरमेंट में हम मेनली प्रोडक्ट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड, इट हैज़ टू बी सोल्ड, मगर मार्केटिंग इन्वायरमेंट में हम एडवर्टाइजिंग टेक्निक और आफ्टर सेल सर्विसेज का भी ध्यान रखते हैं। सबसे पहला आता है इंटरनल में 5 M's, 5 M होते हैं, मैन, आपके एम्प्लॉयर्स, आपके लोग। अब क्योंकि यहाँ पे एक्सप्रेसली मैन लिखा है तो केवल मैन से मतलब नहीं, यहाँ पे मैन वेमेन हु ऑल आर वर्किंग इन योर फर्म, उनका रवैया काउंट करता है। मनी, आप मार्केटिंग मतलब क्या? एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्ट का प्रमोशन। आपका कितना बजट है, कितना बजट है कि आप अपना प्रोडक्ट कहाँ तक एडवर्टाइज कर सकते हो, कहाँ तक अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हो। मशीनरी, एसेट, आपके एसेट कितने कुशल हैं कि आप क्या वो जो प्रोडक्ट आप दावा कर रहे हो, क्या आपके एसेट्स में उतनी जनरेशन पावर है कि वो ऐसे आउटपुट को जनरेट करने में सक्षम है। मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स की बात है यहाँ पे। अगर तो आपका सप्लायर रिस्पोंडेंट नहीं है तो आपका लैग टाइम बढ़ जाता है। लैग टाइम का क्या मतलब है? LAG, लैग टाइम का मतलब है हमारा फिनिश प्रोडक्ट बिक चुका है मगर प्रोडक्शन शुरू नहीं हो पाई है क्योंकि सप्लायर ने रॉ मटेरियल भेजा नहीं। तो बफर स्टॉक, बफर स्टॉक मतलब वो स्टॉक जो जब एकदम से रॉ मटेरियल ख़त्म हो जाए तब टच करते हैं, तो बफर स्टॉक में भी कुछ रॉ मटेरियल होना चाहिए। और मार्केट, कैसा मार्केट है, कौन सा प्रमोशन, अगर आपका मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर अभी तक TV की सुविधा नहीं आ पाई है तो फिर आपका TV पे ऐड करना बेकार है, तो क्या करना पड़ेगा? पेपर में न्यूज़ निकलवाइए, रेडियो पे निकलवाइए, जो भी करना, एडवर्टाइजिंग, मतलब जो टेक्निक मार्केटिंग की फेमस है उसी टेक्निक के चलते आपको ये करना होगा। एक्सटर्नल में आ जाओ, माइक्रो मैक्रो। माइक्रो इज़ अ लिमिटेड इन वन इंडस्ट्री, माइक्रो इज लिमिटेड टू वन इंडस्ट्री एंड मैक्रो इज लिमिटेड टू द एंटायर इकोनॉमी। माइक्रो केवल एक इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस करेगी, टेलीकॉम इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री है आपकी। मगर हम अगर मैक्रो लेवल पे बात करते हैं तो उसमें सारी इंडस्ट्रीज, इनफैक्ट पूरी की पूरी इकोनॉमी आ जाती है। अगर तुम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हो तो तुम्हारी इंडस्ट्री देश के विकास में कितना प्रतिशत हिस्सा दे रही है, ये मैक्रो बात है। और माइक्रो की बात करें तो तुम्हारी फर्म उस इंडस्ट्री में कितना कंट्रीब्यूशन दे रही है। समझ में आई बात? एक जगह फर्म टू इंडस्ट्री देख रहे हो और एक जगह इंडस्ट्री टू नेशन देख रहे हो। माइक्रो में सबसे आते हैं पहले सप्लायर, सबसे इंपॉर्टेंट है। रॉ मटेरियल देंगे तभी प्रोडक्शन होगा, तभी वर्क इन प्रोग्रेस जाएगा, ठीक है। रिटेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, देखो जब कंपनी बहुत एडवांस हो जाती है तो रिटेलर का जो वो होता है ना, वो ख़त्म होने लगता है। क्यों ख़त्म होता है? कंपनी खुद अपने डिपार्टमेंटल स्टोर्स खोल लेती है, अपने डिपार्टमेंटल आउटलेट्स खोल लेती है, और वहाँ पे पतंजलि वालों का देखो, पतंजलि वाले रिटेलर के यहाँ तो मिलते ही मिलते हैं मगर उनकी खुद की भी छोटी छोटी आउटलेट्स हैं। उधर गोलघर साइड में जाओ, वहाँ एक आउटलेट मिलेगी। मेडिकल रोड पे जाओ, वहाँ एक आउटलेट मिलेगी। ये क्या है? ये रिटेलर की एलिमिनेशन है, मिडल मैन की एलिमिनेशन है। स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटर भी कब होता है? डिस्ट्रीब्यूटर यानी होलसेलर के बंदे जो रिटेलर के पास सामान पहुँचाने का काम करते हैं।
जब रिटेलर ही नहीं रहेगा तो क्या कोई डिस्ट्रीब्यूटर के होने का मतलब है? नहीं है। तो जब कंपनी बड़ी होने लगती है, वो आउट ग्रो करने लगती है, रिटेलर्स डिस्ट्रीब्यूटर है हम देंगे, कुछ कुछ ऐसे रिटेलर्स जहाँ से हमारे कस्टमर बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर हम देंगे गुड्स, बट अपना भी आउटलेट खोलेंगे। कंपेटिटर्स, हमारे जो कंपेटिटर्स हैं वो क्या स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं? अच्छा, वो स्ट्रैटेजी भी एथिकल होनी चाहिए। अगर तुम्हारा कंपेटिटर कुछ इलीगल स्ट्रैटेजी अपना रहा है तो जस्ट बिकॉज ही इज़ डूइंग इट यू कैन नॉट डू इट। कंपेटिटर्स की स्ट्रैटेजी अगर लीगल भी है, कस्टमर के दिमाग पे छाप भी छोड़ी है, देन यू कैन गो विद दैट स्ट्रैटेजी। शेयर होल्डर्स, पैसा किसका लगा है? शेयर होल्डर्स का लगा है। पैसे का उपयोग किसको करना है? आपको करना है। तो अगर आप किसी और के पैसे का दुरुपयोग करते हैं तो उनके पास बहुत ऑप्शंस हैं। कंपनीज एक्ट ने सारा कुछ शेयर होल्डर्स के लिए कर रखा है, और सबसे बड़ा लॉस तो तुम्हें खुद होगा जब तुम्हारे शेयर की वैल्यू डाउन हो जाएगी स्टॉक मार्केट में, ठीक है? तो शेयर होल्डर जो होते हैं उनके पैसे का उपयोग करना होता है, उनको पूरा अधिकार होता है ये जानने का कि उनके पैसे का उपयोग किस तरह से किया गया है। गवर्नमेंट सरकार, उनको क्या मतलब? उनको टैक्स से मतलब है, और कोई काम इलीगल मत करो इससे मतलब। जनरल पब्लिक और कस्टमर्स, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। बस जनरल पब्लिक में एक चीज़ आ जाती है कि आपका कोई भी प्रोडक्ट पब्लिक के, तुम सो जाओगे बच्चा, यू विल स्लीप। जनरल पब्लिक जो होती है, जनरल पब्लिक का कोई भी वेलफेयर हार्म नहीं होना चाहिए। अगर जनरल पब्लिक, मान लो तुम्हारी कंपनी एक ऐसा वेस्ट डंप करती है जो 4 दिन में जहरीला जहर बन जाता है एकदम, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वो जलता नहीं है, ऐसा अगर कुछ है तो उसको ट्रीट करा के आप डंप कर सकते हैं। वेस्टेज जैसे वो जो हॉस्पिटल से वेस्ट निकलते हैं उनको ट्रीट करा के तब डंप किया जाता है, वरना वो इन्वायरमेंट को ख़राब कर सकते हैं। कस्टमर्स की बात करें, हमारे कस्टमर्स अगर उनको प्रोडक्ट में कुछ नया चाहिए, कुछ अलग चाहिए, तो उनको वो चीज़ प्रोवाइड करानी चाहिए। लास्ट है एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय कहाँ आ गए तुम्हारे? एम्प्लॉय यहाँ आ गए, यहाँ आता है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर मतलब जिसने रोज़गार दिया है। अब ज़रूरी नहीं है कि हम हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ही बात कर रहे हैं। एम्प्लॉयर में मैनेजर भी आ सकता है, HR के बंदे भी आ सकते हैं, जिन्होंने आपको नौकरी दी है उनका भी इंटरेस्ट सर्व होता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट्स पाते हैं तो उन्हें भी अपनी सैलरी में अपने बोनस का हिस्सा मिलता है। पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, ये पूरे नेशनल लेवल पे बात है स्टूडेंट्स। मैक्रो इन्वायरमेंट की हम बात कर रहे हैं। मैक्रो इन्वायरमेंट में देश की राजनीतिक व्यवस्था भी बहुत राजनीति में उठापटक चली हुई है, जिसके इफ़ेक्ट आपको देखने मिल सकते हैं शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट 2-3 दिन से बहुत ख़राब स्थिति में चल रहा है, क्योंकि देश की पॉलिटिकल अनरेस्ट इन्वेस्टर्स को डिस्करेज कर देती है किसी भी मार्केट में इन्वेस्ट करने से। लीगल, मान लो कल को एक ऐसा कानून आ गया जो तुम्हारे द्वारा प्रोड्यूस किए जा रहे आउटपुट को इलीगल डिक्लेयर कर देगा, उसी समय या तो आप तुरंत दूसरे प्रोडक्ट पे स्विच कर जाइए या कंपनी बंद कर दीजिए। लीगल, या हो सकता है अगर वो प्रोडक्ट देश में कम है तो सरकार ने बोला कि ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करो, हम तुम्हारे टैक्सेस कम कर देंगे, सब्सिडी दे देंगे। तो यहाँ पे लीगल इन्वॉल्वमेंट किसी भी बिजनेसमैन के लिए एक कैटलिस्ट का काम करता है। सोशल, सामाजिक इन्वॉल्वमेंट, अगर हमारे देश में किसी प्रोडक्ट को लेकर समाज इज़ नॉट रेडी, सोसाइटी इज़ नॉट रेडी, हमारे हिंदुस्तान में नहीं है रेडी लोग उस टाइप के प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करने को, तो उस प्रोडक्ट का प्रचार करना आपकी कंपनी के रेपुटेशन के लिए खराब हो सकता है। इकोनॉमिक, GDP व्यवस्था, पर कैपिटा इनकम, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक में आती हैं। मैंने अभी क्या बोला कि आपकी इंडस्ट्री देश के इकोनॉमी में कितने प्रतिशत GDP की हिस्सेदार है, इकोनॉमिक। टेक्नोलॉजिकल, ज़माना आ गया है टेक्नोलॉजी का, अगर आप अभी भी पुराने मेथड से प्रोडक्शन कर रहे हो, मतलब कैपिटल इंटेंसिव ना होके लेबर इंटेंसिव से कर रहे हो, तो आपका समय भी ज़्यादा लगेगा, आउटपुट भी कम मिलेगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि आप कंपेटिटर्स से पीछे रह जाओगे। ये एक टॉपिक इसमें का था। अंतिम टॉपिक है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के बारे में, जहाँ पे आप SWOT एनालिसिस के बारे में पढ़ोगे। देखो स्टूडेंट्स, मार्केटिंग इन्वायरमेंट में आगे हम चल रहे हैं इन्वायरमेंटल स्कैनिंग पे,
ये इन्वायरमेंटल स्कैनिंग आपकी स्वॉट एनालिसिस ही है. ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगी और आपको ये याद हो जाएगा. पहले देखो, इंटरनल में स्ट्रेंथ और वीकनेस आता है. जो भी चीज़ इंटरनल में है स्टूडेंट्स, वो कंट्रोलेबल है, मतलब वो आपके वश में है, उस पर आप अपनी मैनिपुलेशन कर सकते हो. जो आपकी स्ट्रेंथ होती है वो आपके लिए एक फेवरेबल फैक्टर है और वीकनेस आपके लिए एडवर्स फैक्टर है. इज़ दैट ओके? आ जाते हैं एक्सटर्नल पे. तो एक्सटर्नल है मतलब बाहरी है, सामाजिक है, उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है. ये एक अनकंट्रोलेबल फैक्टर है और क्योंकि ये एक अनकंट्रोलेबल फैक्टर है, अपॉर्चुनिटी अगेन आपके लिए फेवरेबल है. मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, आप उनका फ़ायदा उठा के बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं. और थ्रेट मतलब खतरा, एडवर्स. ये तीन चीज़ें अगर आप इनके बारे में याद रखते हैं तो आपको स्वॉट एनालिसिस याद रहेगा. क्या चीज़ें? कंट्रोलेबिलिटी, इंटरनल एक्सटर्नल, और क्या फेवरेबल है और क्या एडवर्स है. किसी फर्म की स्ट्रेंथ हो सकती है उसका अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रांग है, तुरंत तुरंत बिलिंग हो जाती है, तुरंत तुरंत कस्टमर के इशू रिजॉल्व हो जाते हैं. वीकनेस क्या हो सकती है? उनका IT डिपार्टमेंट सुस्त है. कंप्यूटर द्वारा, इंटरनेट द्वारा, टेक्नोलॉजी द्वारा जो भी चीज़ों को मैनेज करना है IT डिपार्टमेंट को, उसमें समय सदियों लग जाते हैं. उसी तरह अपॉर्चुनिटीज़, मार्केट में एक नए प्रोडक्ट की बड़ी वांट बढ़ी और हो सकता है हम उस प्रोडक्ट के लिए अग्रसर हैं, तो एक नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है अपने कंपनी को प्रमोट करने के लिए. और थ्रेट, एक कंपेटिटर आ गया है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और हमारे कस्टमर्स उसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जल्दी से रिवाइव करना पड़ेगा. तो ये क्या हो गया? एक एडवर्स कंडीशन. अंतिम बात इस चैप्टर की, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग. ये जो इन्वायरमेंटल एनालिसिस आपने लिखा है, या पूरे मार्केट के इन्वायरमेंट को निरीक्षण करने के लिए, उसका एनालिसिस करने के लिए चार स्टेप्स होते हैं. आइडेंटिफाई, आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है, मतलब आपको मार्केट में रिसर्च करनी होती है कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी आपको कहाँ अवेलेबल है. स्कैनिंग का मतलब एक बार तुमने रिसर्च कर लिया, उसके बाद तुम लेते हो फैसले, डिसीजंस लेते हो. किस चीज़ को लेते हुए? डिसीजंस फॉर प्रोड्यूसिंग द टाइप ऑफ आउटपुट. कौन सा आउटपुट प्रोड्यूस करना है, कौन सा टेक्निक लगाना है. उसके बाद करते हैं आप एनालिसिस या निरीक्षण. निरीक्षण में आप करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कौन से टेक्निक के प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा खर्चा आएगा, कौन से में कम खर्चा आएगा. देखो, खर्चा भी कम आए और प्रोडक्ट भी बढ़िया बन जाए तो प्रॉफिट ही तो बढ़ेगा, भी कस्टमर भी खरीदेगा और हमने यहाँ प्रोडक्शन में भी पैसे बचाए. और अंतिम होता है फोरकास्टिंग. एक बार कस्टमर ने आपका आउटपुट खरीद लिया, मतलब एक बार आउटपुट का सेल हो गया, तो आप ये फोरकास्ट, ये एंटिसिपेट कर सकते हो कि क्या ये प्रोडक्ट मार्केट में अच्छा चला, नहीं चला, इसमें कोई बदलाव करने की ज़रूरत है. मतलब एक तरह से यहाँ पे आपको कस्टमर से मिलने लगता है फीडबैक, और जहाँ कस्टमर से फीडबैक मिला, आप स्थिति में आ जाते हो कि आप डिसीजन ले पाओ कि मार्केट अब कौन से करवट बैठेगा. ठीक है, इतना अगर तुम्हें क्लियर है तो तुम चैप्टर 3 के हर MCQs, हर मिड टर्म लगा सकते हो. थैंक यू क्लास.